हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के अप्पे, जिसके लिए लिया मैंने आधा एक कप सूजी, आधा कप दही और सब्जियां हैं शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, हरी मिर्च और टोमेटो। अब हम यहां पर ले लेंगे मिक्सिंग बाउल। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे एक कप सूजी और आधा कप दही। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें डालना है हमें 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। मैं इसे कर दूँगी अच्छी तरह से मिक्स। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी, सॉरी 1 कप पानी डाल दिया यहाँ पर मैंने, और उसे कर दिया मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स। अब फ्रेंड, इसमें हम डाल देंगे ये सारी जो सब्जियाँ काट के रखा है ना, ये डाल देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ी प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 गाजर लिया है और शिमला मिर्च भी 1 ही लिया है, बड़ा था शिमला मिर्च, और टोमेटो लिया है मैंने 1 से 2 मीडियम साइज़ के। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सूजी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मेरी बारीक वाली सूजी थी, अगर आप मोटी सूजी भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें मुझे लग रहा है कि पानी की ज़रूरत और है, तो हम इसमें अभी इसमें और पानी मिलाना पड़ेगा मुझे लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पर ना और पानी ले लिया है। पहले इसे मिला कर देख लिया है, फिर मुझे ज़रूरत हुई कि मुझे और पानी चाहिए तो मैंने लिया है। फ्रेंड देखिए, मैंने आधा कप पानी लिया है, थोड़ा सा बचाया है बाद में डाल लें। इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है फ्रेंड। अब हम इसे ना ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर आधा घंटा हो चुका था, उसके बाद मैंने धनिया डालना भूल गया था फ्रेंड, इसलिए मैंने अब ऐड करूँगी धनिया। आप चाहें तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, बीन्स, कॉलीफ्लावर बारीक बारीक काट के। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, यह शाम के नाश्ते हो गए या बच्चों के टिफ़िन में आप ये दे सकते हैं। हेल्दी भी है और इसमें पूरी सब्जियाँ ऐड होती है, तो बच्चों को सब्ज़ी खिलाने का ये सबसे आसान तरीका है, मुझे ऐसा लगता है। अब देखिए फ्रेंड, इसका बैटर का कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है। अब यहाँ पर हमने अप्पे का पैन चढ़ा लिया है, इसे गर्म होने के लिए रख दिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर डालने लगे हैं तेल। तेल हम एक ही बार डालते हैं, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं होती, और ये पूरे अप्पे आराम से बन जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। देखिए, एक ही बार ऑयल डालनी पड़ती है। अब हम यहाँ पर डालने लगेंगे 1 बाय 1 सारे अप्पे उसमें डाल देंगे, और इसको हमने अभी रखा है मीडियम मीडियम आंच पे रखा है फ्रेंड। अब हम इसे डालने लगे हैं, देखिए। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर मेरा पैन के थोड़ा सा साइड में भी आ गया है। ये देखिए, हम यहाँ सारे जो हैं धीरे धीरे से, बहुत ही आहिस्ते से, देखिए पूरे जो है अप्पे 1 बाय 1 पूरे डाल देंगे, और इसे हम 5 मिनट के लिए जो है थोड़ा सा हाई फ्लेम पे रखेंगे ढककर। और उसके बाद मतलब हाँ थोड़ा सा उसके फिर हम मीडियम आंच कर देंगे, बहुत जल्दी बेक हो जाता है, बस हमें चेक करना ज़रूरी होता है बीच बीच में। फिर देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, आपको मतलब आंच ज़्यादा रखनी है या कम। वैसे तो कम आँच में बनाते हैं, फिर बाद में भले ही थोड़ा सा हाई फ्लेम कर देते हैं। उसके बाद अब देखिए, हम इसे रख देंगे ढक कर और 5 मिनट के बाद हम इसे पलट देते हैं। ढक के रखने के बाद 5 मिनट के बाद आप इसे पलट देंगे, उसके बाद आप देखते रहिएगा जब ये अच्छा सा ब्राउन कलर अपना छोड़ देता है, और फिर स्टिक से भी देख लीजिएगा कि कहीं ये अंदर से कच्चे तो नहीं है। बस फ्रेंड, 5 मिनट 10 मिनट में हमारा ये ब्रेकफास्ट जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है। देखिए, अब मैंने इसे 5 मिनट के बाद पलट दिए थे और फिर उसे 5 मिनट बेक करके जो है इसे प्लेट में निकाल दिया था। देखिएगा फ्रेंड, देखिए बस मेरे अप्पम रेडी है फ्रेंड। देखिए, ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।